इस तरह से भिंडी की सब्जी को बनाएंगे एकदम ढाबा स्टाइल में। इसको बनाना बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है। इसे देखकर बच्चे दो की जगह चार रोटियां खाना खाने लगेंगे, उन्हें बहुत पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ अर्चना, अर्चना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत। और चलो मिलकर शुरू करते हैं मज़ेदार रेसिपी। तो यहाँ पर लिया हमने 250 ग्राम भिंडी, इसको धुल लिया था अच्छे से। उसके बाद हमने लिया है प्याज, लहसुन और मिर्च। और यहाँ पर भिंडी के हम जो साइड वाला पार्ट है वो निकाल देंगे, और जो बड़ी भिंडी है उसके दो कर लेंगे कट करके। और इसमें बीज में भी हम चाकू से निशान लगा, जिससे हमारी कोई भी भिंडी हो ख़राब हो तो उसको हम निकाल देंगे। तो इस तरह से हम भिंडियों को तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे हमने जो प्याज लिया था उसमें से हमने दो प्याज लिया है, तो इसको भी हम काट लेंगे। और यहाँ पे लिया है हमने लहसुन, लहसुन की हमने 8-10 कलियाँ ली थी, इसको हम छील लेंगे। इसको भिंडी इतनी टेस्टी बनेगी आपकी, तो इसको बच्चे इतने मन से खाएंगे। तो यहाँ पे मसाला तैयार हो गया जो हमने छीला था, और लिया है अदरक दो हरी मिर्च। तो इसको कर देते हैं एक साइड। और यहाँ पे हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसमें डाल दिया हमने तेल। और हम तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे, जब तक तेल अच्छे से गर्म आपका ना आ जाए, थोड़ा धुआं ना देने लगे, तब तक हम इसमें, अब इसमें हमारा तेल अच्छे से धुआं देने लगा था, तो इसमें हम डाल देंगे भिंडी। भिंडी को हम मात्र 1 मिनट फ्राई करेंगे। भिंडी हमको ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, सिर्फ मात्र थोड़ी सी हमको इसका जो सॉफ्टपन है वो इसमें आ जाएगा। और ये हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी थी, मात्र 1 मिनट लगा है, इससे ज़्यादा नहीं लगा इसमें टाइम। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने भिंडी को निकाल लिया है। देखिए फ्रेंड, ये इस तरह से हमारी भिंडी सॉफ्ट एकदम हो गई। तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा हमको नमक डालना है, बिल्कुल थोड़ा डालेंगे, जिससे हमारी भिंडी और सॉफ्ट हो जाए। और हम इसको कर देते हैं एक साइड। और यहाँ पे कर लेते हैं मसाले की तैयारी। तो यहाँ पे लिया है मिक्सर जार, अब हम उसमें डालेंगे मसाले। जैसे हमने प्याज लिया था, अदरक था, लहसुन था, और दो लिया है हरी मिर्च। इसके बाद इसमें सारे बेसिक मसाले जाएंगे, जो ढाबा में जो हमारे भिंडी की सब्जी आप खाते हैं उसी तरह से बिल्कुल बनने वाली है। पहले हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, बस इसमें सब भुना हुआ मसाला जाएगा। जैसे कि धनिया है वो भी भुनी थी, इसमें जाएगा जीरा भुना हुआ लिया, फिर सौंफ लिया हमने, और इसमें भी खड़ा हुआ थोड़ा जीरा डाला था, हींग डाला हमने, उसमें डाला है चाट मसाला, और थोड़ा इसमें डालेंगे पानी। अब हम इसको पीस लेंगे, ज़्यादा हम बिल्कुल हमको फाइन नहीं करना, ना हमको दरदरा करना है ना फाइन, हमको इस तरह से एक पेस्ट बनाना है। इसके बाद हमारी यहाँ कढ़ाई गर्म हो चुकी है, बिल्कुल इसमें थोड़ा ही हमने तेल डाला है, और उसमें 2 तेज़पत्ते, दालचीनी लकड़ी डाली है। और इसको हम थोड़ा धीमा कर देंगे गैस को, लो फ्लेम पे। और यहाँ पे हम मसाले डालेंगे जो हमने पीसा था, और इस पे थोड़ा सा हम मसाले जो हमने रह गया था इसमें पानी डाल के वो भी डाल देंगे। और हमको अच्छे से भूनेंगे, बस जब जितना अच्छा इसको भूनेंगे उतना ही अच्छा आपका सब्जी बनेगा। तो इस तरह से हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही धीरे धीरे भूनते रहेंगे, लो मीडियम पे, इसको हाई पे बिल्कुल मत भूनिएगा, एक अलग से खुशबू आएगी आपकी किचन में। और यहाँ पे कलर के लिए डाल दिया है हमने कश्मीरी मिर्च डाली है इसमें, कि बिल्कुल तीखी नहीं होती है, सिर्फ कलर के लिए होती है। उसमें बिल्कुल थोड़ा ही नमक डालें, क्योंकि हम नमक पहले से भी भिंडी में थोड़ा सा डाल चुके हैं, जितना आपका ज़रूरत उतना ही नमक डालें। और यहाँ पे हमने डाला है दही, और दही हमने जिसमें ये खट्टा दही है तो इसमें हमने ज़्यादा दही नहीं डाला, इसमें हमने 2 ही चम्मच दही डाला। अगर आप अगर खट्टा नहीं तो आप 4-5 चम्मच इसमें ऐड कर सकती हैं। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच और दही ऐड करेंगे। दही डालने से जो हमारी सब्जी में जो लिबलवा सा थोड़ा रहता है वो बिल्कुल नहीं रहेगा, तो बिल्कुल एकदम आपकी ढाबा स्टाइल में और एकदम सिंपल सब्जी बनेगी, खाने में तो इतनी अच्छी लगेगी कि जितनी अच्छी आपको ढाबे में नहीं मिलेगी। तो उसी तरह से आज हमने भिंडी की सब्जी को बनाया है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए आपका तहे दिल से स्वागत फ्रेंड। तो इसी तरह आप हमको प्यार दीजिएगा, और हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड, तो ऐसा सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा। तो यहाँ पे हमने भिंडी को मिक्स कर दिया था अच्छे से, और इसको हम 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे हमारी भिंडी अच्छे से गल जाए, थोड़ा सा बढ़िया सा इसमें कलर चेंज भी होगा। तो इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे 2-3 मिनट के लिए।
देखिए फ्रेंड, ये भिंडी हमारी बन चुकी है, बस एक दो मिनट और इसको हम पकाएंगे। इसको कर देते हैं हम एक साइड। अब भिंडी खान बच्चों को खाना है पराठा, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं पराठा। आप रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, जिसके साथ खाना है उसके साथ इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं पराठा। ये भिंडी इतनी टेस्टी बनी थी, बच्चे को इतना पसंद आया था, उसने दो की जगह चार पराठे खाए और वो कहने लगा मम्मी कल फिर बनाना इससे भिंडी की सब्जी। तो फ्रेंड ये सब्जी बनाना बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा झंझट वगैरह नहीं होता है। अगर आपने एक बार बना ली तो आप उसको दोबारा बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगी। तो यहाँ पे हमारी जो भिंडी की सब्जी थी बन चुकी है फ्रेंड, देख लीजिए कितनी अच्छी टेस्टी बनी है। देखने में भी इतनी अच्छी है तो खाने में इसका क्या स्वाद होगा। और यहाँ पे हम इसमें रख देते हैं पराठा। आप इसको पूड़ी के साथ खाइए, चाहे पराठा के साथ खाइए, चाहे रोटी के साथ खाइए। ये हमारी भिंडी हो गई है तैयार एकदम ढाबा स्टाइल में, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिया। आइए फ्रेंड हमारे भिंडी की सब्जी में हो जाइए शामिल। ये भिंडी बन चुकी है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ऐसी रेसिपी के साथ मिलते रहेंगे, तब तक लिए बाय और टेक केयर।